अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इकरा साइकोलॉजी। 19 तारीख का जो एग्ज़ाम चला था DSE का, उसके अंदर हम साइकोलॉजी का पेपर पार्ट वन पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह उसी पेपर का पार्ट टू और थोड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के बाकी रह गए थे, वो इंशाल्लाह इस पार्ट टू वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करें। एक सवाल था, चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव प्ले, यानी कोऑपरेटिव प्ले किस ग्रुप वाले बच्चों के अंदर पाया जाता है, ये सवाल था दोस्तों। इसके ऑप्शंस थे 1 से 1.5 साल तक के बच्चों के अंदर, या फिर 2 से 2.5 साल के बच्चों के अंदर, 3 से 4 साल तक के बच्चों के अंदर, या 5 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर। किस एज के बच्चों के अंदर कोऑपरेटिव प्ले पाया जाता है? तो इसका आंसर था 3 साल से 4 साल तक के बच्चों के अंदर। तो दोस्तों ये जो सवाल दिया गया है, ये सवाल जो है सामाजिक नशोनुमा के चैप्टर से दिया गया है, या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों सामाजिक नशोनुमा क्या है, एक मरतबा तफसील से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सोशल डेवलपमेंट में जो है इन्फेंसी का जो स्टेज है, वो स्टेज शुरू होता है 2 हफ्तों से लेकर 2 साल तक का जो मरहला है, इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। इस मरहले के अंदर सामाजिक नशोनुमा इस तरह होती है कि 6 हफ्तों के बाद बच्चा अपने ज़रूरियात पूरा करने वालों को देखकर मुस्कुराता है। बच्चे का ये पहला सामाजिक रद्दमल है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सवाल इस तरह आ सकता है कि बच्चे का पहला सामाजिक रद्दमल क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि बच्चा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वालों को देखकर मुस्कुराना, ये सामाजिक रद्दमल है, पहला सामाजिक रद्दमल है। तो बच्चे का सामाजिक रद्दमल पहले बड़ों से, बाद में बच्चों से होता है, ये भी सवाल तुमको आ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो मरहला है वो 3 साल से 5 साल तक का मरहला है। तो दोस्तों यही आपको उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि किस एज के अंदर कोऑपरेटिव प्ले पाया जाता है, 3 साल से 4 साल तक का मरहला। तो इसको क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का मरहला भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर सामाजिक डेवलपमेंट क्या क्या होती है। इसको जो है प्री गैंग एज कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्री गैंग एज के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर पैरेलल प्ले हम देख सकते हैं। पैरेलल प्ले के मानी होते हैं कि बच्चे क्या है, अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं, जिसको पैरेलल प्ले कहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा प्ले होता है वो एसोसिएट प्ले होता है, यानी कि बच्चे इस मरहले के अंदर पैरेलल प्ले पहले शुरू होता है, बाद में धीरे धीरे बच्चों के अंदर एसोसिएट प्ले हम देख सकते हैं। एसोसिएट प्ले के मानी होते हैं कि बच्चे हम उम्र साथी जो खेल खेल रहा है वो नहीं, उनके साथ मिलकर नहीं खेलते, मगर वो जिस तरह का खेल खेल रहा है उसी तरह के खेल को वो भी क्या है, नकल करते हुए खेलता है, मगर उसके साथ मिलकर नहीं खेलता, उसको कहते हैं एसोसिएट प्ले। नेक्स्ट जो होता है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव के प्ले के मानी होते हैं एसोसिएटिव प्ले के बाद बच्चे धीरे धीरे कोऑपरेटिव प्ले का खेलना शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव प्ले के मानी बच्चे क्या है, आपस में इमदाद बाहमी करते हुए खेल खेलते हैं, यानी कि किसी के पास अगर खिलौना है तो वो उस खिलौने को अपने दोस्त को देकर उसके साथ मिलकर खेलने के लिए कहता है, या फिर अपने पास जो खिलौने ज़्यादा हैं जिसके पास खिलौने नहीं है उनको देता है कि तू भी इसके साथ खेल ले। इस तरह कोऑपरेटिव प्ले बच्चों के अंदर वजूद में आता है एसोसिएटिव प्ले के बाद। ये तीनों जो है प्ले अर्ली चाइल्डहुड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको सवाल इसके ताल्लुक से ज़रूर से आ सकते हैं। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव प्ले दिया गया है वो अर्ली चाइल्डहुड से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो एज है वो 3 साल से 5 साल तक का मरहला। यहाँ पर भी सवाल के अंदर दिया गया है 3 साल से 4 साल तक का मरहला। किसी किताब के अंदर 3 साल से 4 साल तक के अंदर है, किसी किताब के अंदर 3 साल से 5 साल तक के अंदर है, मगर सेम मेथड वही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोऑपरेटिव प्ले शुरू होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। आपको एज के बजाय आपको स्टेज भी पूछा जा सकता है। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड का सामाजिक नशोनुमा। नेक्स्ट है चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड के बाद बच्चा चाइल्डहुड के स्टेज में जाता है। तो स्टेज शुरू होता है 5 साल से 12 साल तक का मरहला है। तो दोस्तों इस मरहले को कहते हैं गैंग एज कहते हैं चाइल्डहुड के मरहले को। तो दोस्तों ये था सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
Generally, the development of language in the child takes place through imitation and conditioning in this stage. यानी कि इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि इमिटेशन के ज़रिए से लैंग्वेज डेवलपमेंट किस मरहले के अंदर ज़्यादा होती है. तो ये था सवाल. तो दोस्तों इसके ऑप्शंस देखिए. साउंड इमिटेशन स्टेज, यहाँ पर सवाल सवाल के अंदर ही क्या है, आपको जवाब का हिंट दे दिया गया है. यानी कि इमिटेशन के ज़रिए से किस मरहले के अंदर बच्चे ज़्यादा ज़ुबान को सीखते हैं. तो कौन सा स्टेज है? साउंड इमिटेशन स्टेज. यहाँ पर बच्चे क्या है, साउंड को इमिटेशन करना सीखते हैं. इस स्टेज के अंदर बच्चे ज़्यादा इमिटेशन के ज़रिए से अपनी ज़ुबान को सीखते हैं. तो दोस्तों यही था इसका आंसर. तो दोस्तों देखेंगे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या हैं, तफसील से पढ़ेंगे ताकि आपको इसके रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आए आप कर सकने के काबिल बन जाएंगे. तो देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या हैं, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. यहाँ पर देखिए पहला स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो है क्राइंग, यानी कि रोना. यहाँ पर जो है रोना, जो बच्चे का पैदाइशी पहला अमल है वो क्या है, रोना है. ये बच्चे की इब्तदाई ज़ुबान कह सकते हैं. बच्चे इब्तदा के अंदर हर चीज़ को रोकर अपने जज्बात को इजहार करते हैं, इसलिए रोना भी ज़ुबान का एक हिस्सा है, या फिर रोना ज़ुबान की शुरुआत है. दूसरा जो स्टेज है वो है कूइंग, यानी कि 1 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बच्चों को आप देख सकते हैं वो ज़ुबान से कुछ किस्म के कू कू बोल के आवाज़ें निकालते हैं, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं कूइंग. तीसरा जो स्टेज है वो बबलिंग स्टेज. बबलिंग स्टेज जो है 3 महीनों से शुरू होता है. बच्चे इस मरहले के अंदर, बबलिंग स्टेज मरहले के अंदर, अच्छे शीरीन आवाज़ें निकालते हैं जो हमको भी क्या है बहुत अच्छे लगते हैं. बच्चों को क्या है, बच्चे क्या है अक्सर क्या है 3 महीनों के अंदर बबलिंग स्टेज में अंदर रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे आवाज़ें ज़ुबान से निकालते हैं. चौथा जो मरहला है उसको होलो प्रेस स्टेज कहा जाता है. ये 1 साल का मरहला है. होलो प्रेस स्टेज के अंदर बच्चे सिंगल वर्ड स्टेज भी कह सकते हैं इसको. बच्चे इस मरहले के अंदर इस्म को सीख लेते हैं, यानी कि एक अल्फाज को क्या है बोल सकते हैं होलो प्रेस स्टेज के अंदर. नेक्स्ट पांचवा स्टेज है दोस्तों टेलीग्राफिक स्पीच. टेलीग्राफिक स्पीच जो है 18 महीनों से शुरू होती है. इस मरहले के अंदर बच्चे 2 और 3 वर्ड स्पीच, यानी कि यहाँ पर बच्चे 2 या 3 अल्फाजों का जुमला बोल सकते हैं, इसलिए इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं. नेक्स्ट छठवा जो है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड जो है ये स्पीड लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सवाल आ सकता है कि किस मरहले के अंदर बच्चे तेज़ी के साथ ज़ुबान को सीखते हैं. उसका जवाब है अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे रोज़ाना कम से कम 25 या 50 अल्फाज भी सीख सकते हैं, इसलिए इसको स्पीड लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज कहा गया अर्ली चाइल्डहुड को. तो दोस्तों लैंग्वेज डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक मज़ीद चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो हैं कि ओवर जनरलाइजेशन. ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है? दिस इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक व्हेन चाइल्ड इमिटेट टू अडल्ट. जब बच्चा बड़ों को नकल करता है या फिर अडल्ट्स को नकल करना शुरू करता है तो उस वक्त कुछ गलतियां कर देता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देता है, उसी को ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं. ओवर जनरलाइजेशन की एक मिसाल देखेंगे अच्छी तरह समझ में आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आई आस्क्ड यू, यानी कि मैं आपको पूछा था. यहाँ पर माजी के अंदर मैंने आपको कुछ पूछा था, उसके लिए अंग्रेज़ी के अंदर आस्क्ड, यानी कि आस्क के बाजू जो है इड का यानी कि ईडी लगाया जाता है. तो बच्चा जब इसी जुमले को इस्तेमाल करता है कुछ और मौके पर, इस तरह कहता है कि आई टेल्ड यू. यहाँ पर देखिए जुमला बच्चा कह रहा है कि आई टेल्ड यू, मैंने आपसे आपको बोला था, यानी कि यहाँ पर क्या है टेल्ड यूज़ नहीं किया जाता अंग्रेज़ी के अंदर. यहाँ पर आस्कड, यहाँ पर क्या है कोई आस्कड इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. तो बच्चा इसी तरह से पास्ट टेंस के लिए ईडी लगा रहा है टेल्ड के लिए, जबकि ये गलत जुमला है. इसका सही जुमला है आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मगर बच्चा इसको ईडी लगाता है. इस तरह की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है बच्चे इमिटेशन के दौरान सीख लेते हैं, इसी को ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं. तो दोस्तों नेक्स्ट है मेंटल सॉरी मेटल मेटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, सॉरी मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस. मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के मानी होते हैं दोस्तों कि बच्चे क्या है, बच्चा खुद अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं. जो यहाँ पर ओवर जनरलाइजेशन के ज़रिए से बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे क्या है खुद ब खुद क्या है अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, उसी को कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस.
आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्कूल को ना जाते हुए भी अच्छी जुबान बात कर सकते हैं। ये इस वजह से होता है कि बच्चा खुद ब खुद अपने गलतियों को जुबान के दुरुस्त कर लेता है। उसी को मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं। तो दोस्तों, ये था स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको इसमें से कोई एक सवाल ज़रूर से आ सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे तीसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज फॉल अंडर कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलरबर्ग, यानी कोहलरबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थीरी है, उस थीरी के अंदर कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखने वाला स्टेज कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखने वाला मॉरल रीजनिंग कौन सा है? ये था सवाल। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस देखिए। गुड बाय गुड गर्ल, ये जो है इसका सही जवाब है, गुड बाय गुड गर्ल। यानी कि दोस्तों, मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि कन्वेंशनल लेवल के अंदर गुड बाय गुड गर्ल का स्टेज पाया जाता है। अगर आपने मॉरल डेवलपमेंट कोहलरबर्ग की ना पढ़े हैं तो मैं इन्हें इसके ताल्लुक से एक तफसील से वीडियो भी बना चुका हूँ। आपने हमारे इखरा चैनल के अंदर जाकर ज़रूर से वो वीडियो को तफसील के साथ देख सकते हैं, ताकि आपको मॉरल डेवलपमेंट अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों, ये था मॉरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन। इसको क्या है, मैं एक मुख्तसर तौर पर यहाँ पर स्टेजेस क्या क्या हैं दिया गया हूँ, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या क्या हैं। इसको क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल के, इसके अंदर क्या है, तीन लेवल्स पाए जाते हैं और छह स्टेजेस पाए जाते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल के अंदर मजीद दो स्टेजेस हैं, वो हैं स्टेज वन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिनेशन, दूसरा है स्टेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के अंदर स्टेज वन है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ये दो स्टेजेस कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर पांचवा जो स्टेज है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये जो है पांचवा स्टेज है। छठा स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों, ये तमाम जो है सिक्स स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट के, और तीन लेवल में इसको तकसीम किया कोहलरबर्ग ने। तो दोस्तों, कोहलरबर्ग की ये थीरी आपने ना देखे हैं तो इखरा चैनल में जाकर देख सकते हैं तफसील के साथ। तो इस सवाल के अंदर आप देखिए कि कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा है, ये सवाल पूछा गया था। तो गुड बाय गुड गर्ल, यहाँ पर देखिए तीसरा जो स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको गुड बाय गुड गर्ल एटीट्यूड स्टेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था इसका सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पनिशमेंट एविडेंस एंड ओबीडियंस, ये क्या है, ताल्लुक़ रखता है पहला स्टेज से, ये क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखता है। जबकि एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, ये भी जो है दोस्तों दूसरे स्टेज से ताल्लुक़ रखता है, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से ताल्लुक़ रखता है, ये पांचवा स्टेज है। इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा सवाल। द साइकोलॉजिस्ट नाउन फॉर हीज एक्सपेरिमेंट यूजिंग द बोबो डॉल इज, यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, अपने तजुर्बे के अंदर किस साइकोलॉजिस्ट ने बोबो डॉल का इस्तेमाल किया, ये था सवाल। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस देखिए, ट्रेवर्स, बी एफ स्किनर, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बेंडोरा। अल्बर्ट बेंडोरा ने जो है दोस्तों बोबो डॉल को अपने तजुर्बे के अंदर इस्तेमाल किया है। इसकी जो थीरी है उसको कहते हैं सोशल लर्निंग थीरी। तो दोस्तों, ये इसने जो है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच को पेश किया था। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर इसने बोबो डॉल का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अल्बर्ट बंडोरा की जो थीरी है उसको मुख्तसरन तौर पर इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा तफसील बताऊंगा, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, यहाँ पर जो अल्बर्ट बंडोरा है इसने सोशल कॉग्निटिव अप्रोच को पेश किया। इन्हें इसलिए सोशल कॉग्निटिव अप्रोच पेश किया कि जितने भी माहरीन थे इससे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट के, तो सॉरी लर्निंग के जो भी माहरीन थे, जो भी नज़रियात पेश किए, जैसे कि बी एफ स्किनर ने पेश किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इवन पालुफ ने पेश किया था क्लासिकल कंडीशनिंग, इसी तरह से थारनडग ने पेश किया था ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग। इस तरह से बहुत सारे माहरीन ने बहुत सारे लर्निंग के थीरीज पेश किए, मगर उन तमाम थीरीज के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर कॉमन पॉइंट ये थी कि उसके अंदर लर्निंग के लिए कोई दूसरा मदद करता है, या फिर लर्निंग के लिए कोई री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है। मगर अल्बर्ट बंडोरा ने लर्निंग के लिए री इन्फोर्समेंट से भी ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि समाज के अंदर बच्चे देख कर बहुत कुछ
कुछ सीखते हैं। इस पॉइंट को तमाम साइकोलॉजिस्ट ने मिस किया था, उसी पॉइंट को क्या है अल्बर्ट बंडोरा ने अपना उन्वान बनाया। इसी उन्वान के तहत अल्बर्ट बंडोरा ने अपनी तमाम थ्योरी को पेश किया कि समाज के जरिए से भी बच्चे बहुत कुछ देखकर सीखते हैं। ये था अल्बर्ट बंडोरा का अहम पॉइंट। तो दोस्तों सोशल कॉग्निटिव अप्रोच के क्या है तीन नाम हैं, यानी कि अल्बर्ट बंडोरा ने जो थ्योरी पेश किया है उसके तीन नाम हैं। नंबर एक है, यहाँ पर देखिए, नंबर एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। सोशल यानी के अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी। तीसरा है मॉडलिंग और इमिटेशन थ्योरी। तो दोस्तों ये तीनों के नाम अलग अलग मकासिद के ऊपर पेश किया गया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इसलिए कहा जाता है, अल्बर्ट बंडोरा के मुताबिक बच्चे देख कर सीखते हैं, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहा गया। नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इसलिए कहा गया कि बच्चे समाज के अंदर क्या है होकर या फिर समाज के अंदर ही बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट मॉडलिंग और इमिटेशन थ्योरी इसलिए कहा गया कि बच्चे क्या है बड़ों को देखकर, एडल्ट को देखकर, उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसको देखकर सीखते हैं, इसलिए इसको मॉडलिंग और इमिटेशन थ्योरी भी कहा जा सकता है। ये था दोस्तों अल्बर्ट बंडोरा के थ्योरी। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडोरा ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बोबोडाल का इस्तेमाल किया। ये बोबोडाल का जो थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंट है दोस्तों बहुत चौड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए क्या है मैं इसको क्या है नहीं बोल रहा हूँ कि बोबोडाल जो होता है एक किस्म का डॉल था, उस ज़माने के अंदर बहुत फेमस था, वो डॉल को क्या है उसने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया था। अगर आप चाहें तो इंटरनेट के अंदर वो बोबोडाल की तस्वीर कैसे होती है देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि इस सोशल कॉग्निटिव अप्रोच के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, अल्बर्ट बंडोरा ने अपने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया वेकैरियस, यानी कि वेकैरियस का एक वर्ड इस्तेमाल करता है अल्बर्ट बंडोरा ने। वेकैरियस के मानी होते हैं कि आदमी जो देखकर सीखता है, वो देखकर सीखने के जो अमल है उसी को वेकैरियस कहते हैं, देखकर सीखने के अमल को वेकैरियस कहते हैं। और अल्बर्ट बंडोरा ने वेकैरियस के दो किस्में बताए थे, एक था पनिशमेंट, दूसरा था है रीइन्फोर्समेंट, यानी वकैरियस पनिशमेंट एंड वकैरियस रीइन्फोर्समेंट। यानी कि बच्चा जब कमरे जमात के अंदर आप देख सकते हैं किसी एक बच्चे को कोई गलत काम करने पर उसको सज़ा दी जाती है, तो उस वक्त क्या है वकैरियस पनिशमेंट लर्निंग बच्चे को होती है कि दूसरा बच्चा उस पनिशमेंट को देखकर उस गलत काम को छोड़ देता है या फिर उस गलत काम को नहीं करता दोबारा, क्योंकि उसको उस काम करने पर सज़ा मिली है, मैं भी अगर वो गलत काम करूँगा तो मुझे भी सज़ा मिल सकती है। इस तरह से बच्चा क्या करता है उस वकैरियस पनिशमेंट के जरिए से लर्निंग सीखता है, इसको कहते हैं वकैरियस पनिशमेंट। यानी कि किसी को सज़ा होते हुए देखकर उस काम से क्या है बाज आ जाना, इसको वकैरियस पनिशमेंट लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है वकैरियस रीइन्फोर्समेंट। अगर कमरे जमात के अंदर कोई बच्चा अच्छा अमल करता है, उसको उस्ताद ने रीइन्फोर्समेंट दिया या फिर उसको कोई गिफ्ट देते हैं, तो दूसरे बच्चे उसको देखकर मुझे भी इस तरह का गिफ्ट हासिल हो, इसलिए बच्चे क्या है उस अच्छे अमल को दोहराते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चे क्या करते हैं, किसी को अच्छा अमल होते हुए या फिर अच्छी तारीफ मिलते हुए देखकर उसको पाने की कोशिश के लिए वो भी उस अमल को सीख लेते हैं, इसी को कहते हैं वकैरियस रीइन्फोर्समेंट। तो दोस्तों वकैरियस के दो किस्में हैं, वकैरियस पनिशमेंट, वकैरियस रीइन्फोर्समेंट। अल्बर्ट बंडोरा ने इस वकैरियस पनिशमेंट, वकैरियस रीइन्फोर्समेंट को एक नाम दिया, वो है वकैरियस लर्निंग। यानी कि ये वकैरियस लर्निंग यानी देखकर बच्चे सीख रहे हैं, पनिशमेंट को देखकर और रीइन्फोर्समेंट को देखकर बच्चे इल्म सीख रहे हैं, इसीलिए इसको वकैरियस लर्निंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अब अल्बर्ट बंडोरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। मगर दोस्तों इसके अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मगर मैं इस वीडियो के अंदर तो बता नहीं सकता। अगर मौका आए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में